बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ़ीमेल ने कमेंट्स किया था कि सर मेरी प्रेगनेंसी है और मेरा जो बच्चा है वो मेरे पेट के अंदर जो है ना वो उल्टा है, तो इसको हम क्या कहते हैं और या ये किन किन वजूहात की वजह से जो है ना ये बच्चा उल्टा पैदा होता है। तो आज उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसको हम ब्रीच बेबी प्रेजेंटेशन कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी के 9 मंथ में बेबी ब्रीच पोजीशन की क्या वजूहत है या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या ब्रीच बेबी प्रेजेंटेशन होता क्यों है, या ये ब्रीच बेबी प्रेजेंटेशन क्या है। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में वो मैं ये डिस्कस करूंगा कि हमारे साथ जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल है जो 100 में से 3 से 4 इस तरह से प्रेगनेंसी आते हैं जिसको हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी अपनी डिलीवरी के टाइम पर ब्रीच होती है, यानी बच्चा उल्टा होता है पेट में। ब्रीच के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे का सिर नीचे की तरफ होता है और इसके जो बटक्स या बटक्स माँ के स्टमक की तरफ पड़े होते हैं। ये एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है जिसे हम पेलेक्स कहते हैं। अगर बच्चे की हिप्स और टांगे माँ के पेल्विस की तरफ है और इसका सर ऊपर की तरफ यानी माँ के चेस्ट की तरफ या स्टमक की तरफ है तो इसको हम फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं या ब्रिज प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ये जान लेना है कि ब्रिज बेबी प्रेजेंटेशन क्या होता है और नॉर्मल बेबी प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। और आम जुबान में हम बच्चे का जो आम जुबान में हम इसको बच्चे का पेट में उल्टा होना कहते हैं इसको। और पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंसर्न होते हैं 5वें या 6वें या 8वें महीने में कि हमें डॉक्टर ने बता दिया है, जिस तरह से आपने कहा है कि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि अल्ट्रासाउंड मैंने किया हुआ है और अल्ट्रासाउंड पे है कि बच्चा आपका उल्टा है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं कि इन महीनों में बच्चे का उल्टा होना किसी भी कंसर्न का बाइस नहीं है, क्योंकि ब्रीच होने का ताल्लुक डिलीवरी के टाइप से है कि किस तरह मरीज़ डिलीवर होगा। और नॉर्मली 5वें या 6वें महीने में बेबी की पोजीशन ब्रीच यानी उल्टी ही होती है। तो इसमें आपने घबराना नहीं है और टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में जब ये ब्रीच होता है 5वें और 6वें महीने में तो बाद में फिर क्या होता है, बाद में बच्चा अपने मोमेंट के ज़रिए वो अपने पोजीशन को करेक्ट कर लेता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन के बहुत सी वजूहात हो सकती है, जिसमें सबसे पहली एक वजूहत तो ये है कि अगर आपका बच्चा उल्टा है तो इसमें एक रीज़न तो ये है कि बच्चे के पानी का कम होना, यानी जो लीकर है ना लीकर लीकर का कम होना, ये एक वजह है। इसके अलावा जो जुड़वा बच्चे होते हैं जिस फीमेल या जिस हमारी माँ बहन वगैरह है जिसकी पेट में अगर 2 बच्चे यानी जुड़वा बच्चे होती है तो जिसकी वजह से भी यूटरस के जो अंदर या बच्चेदानी के अंदर जो मोमेंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसको मोमेंट के लिए उसको बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती। तो इस वजह से भी अगर यूटरस में प्रेगनेंसी के साथ किसी भी किस्म की रसौली वगैरह हो या कोई फाइब्रॉइड वगैरह हो या जिसे हम पीकोज कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो उस वजह से भी फिर जो है ना ये ब्रीच बेबी प्रेजेंटेशन जो है ना वो हो सकती है। तो ऐसी सूरत में भी बच्ची की जो है ना ब्रीच होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ बच्चे की एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी है उसकी वजह से भी जो है ना फिर वो ब्रीच बेबी प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें एक बच्ची की जो है ना फिर रीढ़ की हड्डी पर एक जिसको हम सेक्रोकॉक्स जीजीएल टेराटोमा कहते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है ब्रिज बेबी प्रेजेंटेशन का। यानी ये जर्म सेल्स के एक टाइप्स होते हैं जो या तो वो मिच्योर होंगे या फिर इमैच्योर होंगे, तो मिच्योर और इमैच्योर जो सेल्स होते हैं ना वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो फिर इसको हम सेक्रिकोक्सीजियल टेराटोमा कहते हैं जो ये रीढ़ की हड्डी पर होता है बच्ची की। तो इस वजह से भी ना फिर वो ब्रिज बेबी प्रेजेंटेशन हो सकती है, या कोई और प्रॉब्लम जैसे हाइड्रोसेफेलस वगैरह होता है, जैसे बच्चे का सर बड़ा होना, इसलिए बाज़ वक्त बच्ची की जो है ना एबनॉर्मेलिटीज़ भी ब्रीच प्रेजेंटेशन का बाइस बन सकता है। और डॉक्टर को तब पता चलता है कि 9 मंथ तक भी अगर बच्चे का पोजीशन जो है ना वो फिर ब्रीच हो
तो उसको फिर पता चलता है कि हाँ ये ब्रीच बेबी प्रेजेंटेशन है, यानी एबनॉर्मलिटीज है। अमून जो ब्रीच बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर यानी ऑपरेशन के ज़रिए से बच्चे की जो है डिलीवरी होती है उसका इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑपरेशन का। कुछ टाइम्स पहले एक प्रोसीजर किया जाता था जो कि अभी भी कुछ डॉक्टर्स जो है ना प्रिपेयर करते हैं, जिसमें पेट के ज़रिए यानी माँ के पेट के ज़रिए बच्चे को मैनिपुलेट किया जाता है और उसको सीधे करने की कोशिश की जाती है, जिसको हम एक्सटर्नल से पहले वर्जन यानी ECV कहते हैं या कहा जाता है, जहाँ लेकिन ये वहाँ पे होंगे जहाँ इमरजेंसी ऑपरेशन की सहूलत मौजूद हो, या उस हॉस्पिटल में ये चीज़ें होंगी या ये प्रोसीजर होगा जहाँ पे इमरजेंसी ऑपरेशन की सहूलत मौजूद हो और साथ में नर्सरी भी मौजूद हो। क्योंकि जब माँ के पेट के ज़रिए से बच्चे को मैनिपुलेट करके बच्चे को सीधा करने के कोशिश की जाती है, तो उसके साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, जिनमें एक कॉम्प्लिकेशन प्लेसेंटा एब्रप्शंस है, तो ये भी एक हो सकती है, जो पानी की यानी जो पानी की तीली या जो लेकर है वो लीक हो सकता है, या बच्चे की दिल की धड़कन में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं कि जिसकी वजह से पूरी तौर पर फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये उस हॉस्पिटल में हो सकते हैं ये प्रोसीजर जहाँ पे पहले से इमरजेंसी ऑपरेशन किया जा सके। अगर 9 माह में बच्चा ब्रीच है तो इसी सूरत हाल में फिर प्रिपेडली मोड अप डिलीवरी सी सेक्शन ही एक हल है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में एबनॉर्मल लेबर शुरू हो जाती है फिर, और साथ में फिर पेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और साथ में जो है ना एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है, और बच्चे का जो ब्रीच है या जो हिप का एरिया है वो भी डिसेंड करता है। लेकिन इसके अंदर एक रिस्क है, यानी रिस्क ये है कि जो बाद में हेड बच्चे का जो डिलीवर होगा वो कहीं इंटरप्ट ना हो जाए, या फिर या उसके अंदर बच या उसके अंदर यानी जो बच्चेदाना होता है उसके अंदर बच्चेदाने के का जो वो होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं उसके अंदर पंस ना जाए। तो इस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए फिर इंटरनेशनली रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपके या किसी और फीमेल वगैरह है उसकी जो है ना फिर वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है और उसके बच्ची की जो पोजीशन है वो उल्टी है, तो उसी सूरत हाल में फिर आपका जो है ना वो